पर्यटन उद्योग के लिए जैकपॉट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। साल 2019 में स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देशवासियों से एक अपील की थी। उन्होंने देशवासियों से कहा था कि 2022 तक देश के भीतर कम से कम 15 पर्यटन स्थलों की यात्रा करें। जो दुनिया में टूरिस्ट के रूप में भले जाते हो, क्या मैं आपसे एक चीज मांग सकता हूँ? लाल किले पर से देश के नौजवानों के रोजगार के लिए, विश्व में भारत की पहचान बनाने के लिए, भारत का सामर्थ्य उजागर करने के लिए, मेरे प्यारे देशवासियों, आज मैं आपसे एक छोटी सी मांग कर रहा हूं। क्या आप तय कर सकते हैं कि 2022 आजादी के 75 साल के पहले हम कम से कम अपने परिवार के साथ भारत के कम से कम 15 टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जाएंगे? वहां कठिनाइयां होगी तो भी जाएंगे, वहां अच्छी होटल नहीं होगी तो भी जाएंगे। कभी कभी कठिनाइयां भी जिंदगी जीने के लिए काम आती है। हम बच्चों को आदत डालें, यही हमारा देश है, और एक बार जाना शुरू करेंगे तो वहां व्यवस्थाएं विकसित करने वाले भी लोग आने लग जाएंगे। उन्होंने कहा था कि भारत के पास पेशकश करने के लिए बहुत कुछ है, और अगर घरेलू पर्यटन को बढ़ावा मिला तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या भी बढ़ेगी। पीएम मोदी की ये बात शत प्रतिशत सच थी। इसके बाद से जहां घरेलू पर्यटन को बढ़ावा मिलने लगा, वहीं पर्यटन स्थलों को भी नया रंग रूप देने की पहल शुरू हो गई। इसी कड़ी में यूपी में वाराणसी का दिव्य काशी विश्वनाथ धाम और तेजी से विकसित हो रही सुविधाओं के कारण अपनी एक अलग छाप छोड़ रहा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद से शिवनगरी काशी में पर्यटन उद्योग को जबरदस्त बढ़ावा मिला है। यहां देश ही नहीं बल्कि विदेशी पर्यटकों की संख्या में भी जबरदस्त इजाफा हुआ है। न केवल पर्यटन में बल्कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के चलते वाराणसी के दूसरे सेक्टर्स में भी जबरदस्त उछाल आया है। कोरोना की मंदी में सुस्त पड़े सेक्टर को तकरीबन 5 गुना का इजाफा हुआ है। जानकार कहते हैं कि काशी कॉरिडोर पर्यटन उद्योग के लिए जैकपॉट साबित हो रहा है। आंकड़ों की बात करें तो काशी में हर महीने तकरीबन 20 से 30 लाख पर्यटक पहुंच रहे हैं। लगभग 1 लाख लोग नियमित आ रहे हैं। छुट्टी वाले दिन ये संख्या दोगुनी हो रही है। 2500 से ज्यादा छोटे बड़े होटल गेस्ट हाउस पूरी तरह भरे रहते हैं। पहले साल भर एक आध ऐसी तिथियां होती थी जिसमें यहाँ पर कमरे नहीं मिलते थे, लेकिन आज हर महीने में 15 दिन ऐसे होते हैं जिसमें काशी के होटल्स में रूम नहीं मिलता है। वाराणसी में पहले ताज जैसा 5-स्टार होटल था, लेकिन अब कई अन्य होटल भी बन रहे हैं। हालांकि अभी यहां अपने देश के लोग ही ज्यादा आ रहे हैं। विदेश से आने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी तो व्यापार भी रफ्तार पकड़ेगा। डोमेस्टिक टूरिज्म खूब बढ़ा है। पहले यहां सब कुछ विदेशियों के भरोसे चलते थे, लेकिन अब भारतीय लोग भी अच्छी संख्या में यहां आने लगे हैं। पहले अप्रैल से सितंबर में लोग कम आते थे, होटल का किराया भी कम होता था। पहली बार अप्रैल में भी होटल्स ने रेट बढ़ाए हैं। कोरोना के बाद काशी आने वाला टूरिस्ट होटल में वेटर से लेकर फूल वाले और टैक्सी और नाव वाले को पैसा देता है। सबको रोजगार मिलता है। सरकार को भी हर चीज में GST मिल रही है। कोरोना के बाद से लोगों का अध्यात्म की ओर झुकाव बढ़ा है। यहाँ बड़ी सुविधाओं और काशी विश्वनाथ धाम ने पर्यटकों को रिझाया है। बनारस में होटल सेक्टर के अलावा हैंडीक्राफ्ट और साड़ी उद्योग में काफी बूम दिख रहा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद होटल मालिकों की आय में 65%, दुकानदारों की आय में 47%, ई रिक्शा चालकों की आय में 30% की बढ़ोतरी हुई है। टैक्सी ऑपरेटर्स की आय में सबसे कम 20% की वृद्धि दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि 98.48% लोग ये मानते हैं कि रोजगार का सृजन हुआ है। अकेले पर्यटन के क्षेत्र में सबसे ज्यादा 34.18% रोजगार बढ़ गया है। 99.53% लोगों का मानना है कि शहर के ढांचागत सुविधाओं में व्यापक सुधार हुआ है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद से शिवनगरी काशी में पर्यटन उद्योग को जबरदस्त बढ़ावा मिला है। क्या आपने भी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर देखा है? देश में और कौन कौन से पर्यटन स्थलों में सुधार होने चाहिए,